नेक्स्ट इज सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. प्लीज नेक्स्ट सब हेडिंग लिख लीजिए, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक. आई हैव एक्सप्लेन दिस व्हाइल डूइंग द टॉपिक ऑफ क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म. Do you remember classical evolutionists were called armchair evolutionists because they were using secondary sources of information. प्लीज राइट. सी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, वी नीड टू नो अबाउट इट. इसका मेरिट्स एंड डी मेरिट्स वी विल एनालाइज इट. सिंपल, 10 मार्क्स के लिए आया तो आया वरना तो नहीं, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस कम हो गया. नाउ इट इज सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली फॉर सप्लीमेंटेशन यूज करते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट प्रिफर्ड मेथड. ठीक है, सो प्लीज राइट. इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन विच इज गैदर्ड बाय समवन बट नॉट द रिसर्चर रिसर्चर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. Not by researcher. So, खुद researcher ने नहीं gather किया वो information को हम क्या कहते हैं, secondary source of information कहते हैं. इसका examples I already told you. Say the resources gathered or the information gathered by travelers. If the traveler himself is not a researcher, ठीक है. Or it can be gathered by let's say a pilgrimage. मतलब पिलग्रिम पर्सन जो विजिटिंग कर रहे हैं, और इट कुड बी बाय अ ट्रेडर. फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल पिलग्रिम कमा ट्रेडर कमा ट्रैवलर और ए मिशनरी एट्सेट्रा, क्रिश्चियन मिशनरी ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं एट्सेट्रा. सी इवन अ रिपोर्टर, सी काफी टाइम ऐसे होता है कि न्यूज़पेपर में जो रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं उस बेसिस पे भी सम पर्सन विल बी डूइंग अ रिसर्च. सो द आर्टिकल्स दैट यू फाइंड इट इन रिसर्च और लिटरेचर रिव्यू जब करते हैं हम, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू पब्लिश अ पेपर, व्हाट यू डू, यू विल बी डूइंग सम रिसर्च वर्क बाय यूर सेल्फ एंड यू विल स्टार्ट डूइंग द लिटरेचर रिव्यू विद रेस्पेक्ट टू दैट वर्क. इफ एनीबडी हैज डन अर्लियर, यू स्टार्ट कोटिंग देम, यू स्टार्ट साइटिंग देम देयर वर्क व्हाट दे हैव डन. ऑन द बेसिस ऑफ इट यू विल राइट योर ओन वर्क. ठीक है, सो जो उनका बाकी लोगों का साइड जो कर रहे हो, दैट इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी सोर्स टू यू. यू हैव नॉट डन दैट, सो दैट लिटरेचर रिव्यू कैन बी टर्म्ड एज वॉट, इट कैन बी टर्म्ड एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सिमिलरली सी दिस इज वेयर आई इवन टोल्ड द स्टूडेंट्स हु हैव बीन अटेंडिंग वाइल रीडिंग द न्यूज पेपर द आर्टिकल्स एंड ऑल. सी आर्टिकल्स में जो व्यू पॉइंट्स मिलते हैं दे आर द व्यू पॉइंट्स ऑफ सम पर्सन, सम एडिटोरियल पर्सन, दोज पर्सन्स हु हैव बीन राइटिंग द एडिटोरियल्स. सो उनका व्यू पॉइंट्स एज इट इज मत रेप्लीकेट करना आप अपना एग्जाम में व्हेन द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. सी टेक द व्यू पॉइंट्स, ट्राई टू एनालाइज फ्रॉम योर सेल्फ. उसके बाद एनालाइज करने के बाद आप अपना पॉइंट्स में रखो उस व्यू पॉइंट्स को, या उसको मॉडिफाई करो इफ इट इज नेसेसरी, बिकॉज समटाइम्स दीज आर्टिकल्स मे नॉट बी न्यूट्रल.
पर्टिकुलरली व्हेन पॉलिटिकल मैटर्स आते हैं उसमें ऐसे हो सकता है कि एंटी पॉलिटिकल सम अदर पॉलिटिकल पार्टी का मतलब अगेनेस्ट हो सकता है, और समटाइम्स सम आर्टिकल्स मे बी एंटी विथ रेस्पेक्ट टू सम इनिशिएटिव्स. सो अंडर दोज सर्कमस्टेंसेस यू विल फाइंड एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म. बट हमें एज ए एस्पिरेंट्स वी हैव टू कीप द क्रिटिसिज्म इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर. दैट्स वेयर दिस व्यू पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ replicating as it is, if we can try to understand from there and try to gather some more extra information to validate these informations, and if you write or if you portray your viewpoints in your answers, then the chances of scoring marks will be more. Okay, so that's where we need to delineate ourselves from the extreme viewpoints of others. ठीक है. सो इस तरीके से हमें न्यूट्रल रखना होगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस पर्टिकुलरली. ठीक है. सो प्लीज राइट, इसमें लिख लीजिए सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. एग्जांपल्स में ये सब लिख सकते हैं हम. मेरिट्स लिख लीजिए, इसका मेरिट्स क्या है. मेरिट्स फर्स्ट, Easy to access, मतलब आपको क्या है कि ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. ठीक है, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, यू कैन गेट इट. सी, इकोनॉमिक सर्वे है हमारे लिए, जैसे ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. आपको हर सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, डेटा मिलता है, परफॉर्मेंस के बारे में डेटा मिलता है, जीडीपी के बारे में, परफॉर्मेंस ऑफ जीडीपी कंट्रीज परफॉर्मेंस, यू गेट द डेटा. सो व्हाट यू गेट फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे फॉर यू, इट्स अ सेकेंडरी सोर्स, यू डिड नॉट डू इट, बट द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच हैज पब्लिश्ड दैट, से द पर्सन, इट इज नथिंग बट ए रिसर्च पेपर, ए थीसिस बेस्ड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री. सो वहां पर ईच पर्सन माइट हैव डन रिसर्च. See, sometimes they have done based on the secondary sources. वहाँ पर भी बताते हैं, this information is based on, let's say, World Bank analysis or IMF का है, या so and so institutions का data से collect कर रखा है. Sometimes they themselves collect the data. ठीक है, sometimes they may take it from the labor organization से लेते हैं. इस तरीके से data लेकर compile करके उनको study करके आपको research paper publish करते हैं, thesis publish करते हैं. ठीक है. सो बट फॉर अस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए वी यूटिलाइज द डेटा इन राइटिंग द आंसर्स, इन वैलिडेटिंग अवर स्टेटमेंट्स, इन गिविंग अवर इंफॉर्मेशन टू द आंसर्स. ठीक है. सो वहां पर इट्स अ काइंड ऑफ सेकेंडरी सोर्स फॉर अस, वी कैन इजिली फाइंड इट. सिंपली गो टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड यू कैन फाइंड इकोनॉमिक सर्वे. यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन स्टडी ऑल ऑफ इट, यू कैन इवन मेक नोट्स आउट ऑफ इट, यू कैन कोट इट. ठीक है. सो इट इज ईजी टू एक्सेस. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो है, से ईजी है, एट द सेम टाइम इट इज़ कॉस्टली भी नहीं है, लेस कॉस्टली, सो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है. सो प्लीज राइट नेक्स्ट, सेव्स टाइम एंड मनी. सेव्स टाइम एंड मनी. ठीक है. सो दीज आर मेरिट्स, एंड ऑफकोर्स रिसर्च पे भी थोड़ा सा है, बट डीमेरिट्स थोड़ा ज्यादा होता है. डीमेरिट्स प्लीज राइट. सबसे फर्स्ट देखो, सबसे बिगेस्ट डीमेरिट ये है कि सी ऑथेंटिसिटी पे भी इशू है. देन एट द सेम टाइम किस स्पेसिफिकली आप किस पे रिसर्च करना चाहते हो, स्पेसिफिसिटी मिसेस. प्लीज राइट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च एंड स्पेसिफिसिटी मे नॉट मैच. ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च एंड स्पेसिफिसिटी मे नॉट मैच. मतलब आपको चाहिए कुछ डेटा कोई पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, यू मे नॉट गेट द डेटा. ठीक है. एंड सेकेंड, authenticity, please write next, authenticity uh,
authenticity is questionable. Authenticity is questionable. Third, does not reveal the ground reality to the researcher. Does not reveal the ground reality to the researcher. ठीक है, सो इतना काफ़ी है, बट क्योंकि आजकल के टाइम पे इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, दैट्स वाई वी आर नॉट फोकसिंग मच ऑन इट. ठीक है, बट लास्ट रिजोर्ट के जैसे यूज़ कर सकते हैं जब बाकी कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है. सो अंडर दो सर्कमस्टेंसेज यू कैन यूज़ इट एज ए लास्ट रिजोर्ट. अदरवाइज जो प्राइमरी बेसिस पे आपने डेटा को कलेक्ट कर रखा है उसको सप्लीमेंट करने के लिए वी कैन यूज़ इट. बॉटम लाइन पे लिख लीजिए, नाउडेज इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड as a regular tool, full stop. However, it can be relied as a last resort of information and to supplement the primary sources of information. That's it. Then participatory methods we have already covered, same we will replicate here. Next, last section pe chale jaiye. What is the last section? Section D, subsection of this particular unit, that is bataiye, analysis, interpretation and presentation of data. Please submitting ye likh lijiye, analysis, interpretation, analysis comma interpretation and presentation of data. Interpretation and presentation of data. See, you need to understand the logic behind it. Whatever the data we collect, it, no, generally it will be random. So even if you are doing the field work, whatever that you notice from day to night, you'll start, no, putting it in the log in your book, like field work book jo hai usme likh lenge. That will be highly random, and that kind of data is called raw data, RAW, raw, and that needs to be segregated into डिफरेंट सेक्शंस जिस तरीके से हमें चाहिए. फॉर एग्जाम्पल टुडे देर विल बी ए नो मैनी इवेंट्स रिलेटेड टू लेट्स ए पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियन, किनशिप, ऐसे हर चीज़ से रिलेटेड आपको डेटा मिल सकता है. यू हैव राइट रिटन इट डाउन, देन यू नीड टू प्रोसेस इट. प्रोसेसिंग का मतलब है कि इसको सेग्रीगेट करना होगा, डिफरेंट सेगमेंट्स में सेग्रीगेट करना होगा. उसमें कुछ हेरेनियस डेटा या कुछ है तो उसको हटाना होगा, इसको प्रॉपरली सैम्पलिंग करना होगा, नॉर्मलाइज करना होगा, देन यू विल बी इंटरप्रिटेटिंग इट. सो दिस मतलब पोस्ट प्रोडक्शन वर्क आफ्टर डेटा कलेक्शन, दिस एंटायर थिंग कैन बी केप्ट अंडर दिस एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द डेटा, how you are going to analyze and interpret it. Okay, so this process is called this stage. This is very important stage while doing any research. See, for here the research work which we have done during my engineering times, I'll tell you. See, I was much interested in artificial intelligence, so later on also some work I have done, but yahan par during my BTech
internship. One of the research works that we have done is application of artificial intelligence in the dentistry, periodontist, like particularly with respect to gum related diseases. So वहाँ पर हम data कहाँ से collect किया था? We collaborated with one dentist, dental college, dental university, and वहाँ से हमने data collect किया था. Almost like 350 patients का data collect किया है. वहाँ पर data कैसे होता है? It is with respect to like medical terminology में होता है. Like gingivitis, then gum loss, bone loss, कैविटी, फूड लॉजिंग, कि उसको भी वो मतलब रेंज करता है, फूड लॉजिंग हेवी और कैविटी स्मॉलर, और लेट्स से बोन लॉस मीडियम, मोर लेस, इस तरीके से दे हैव स्केल्स, स्केल्स ऑफ शोइंग दिस पर्टिकुलर वन, पेन ट्रॉमा है कि नहीं, पेन है कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें. नाउ द सेम आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा वी नीड टू नॉर्मलाइज इट बिकॉज द कंप्यूटर और द सॉफ्टवेयर दैट वी आर यूजिंग इट डज नॉट अंडरस्टैंड कि पेन इज हाई आर लो और सीवियर मीडियम, ये सब चीज़ें नहीं समझता है. वॉट इट अंडरस्टैंड सी इज नंबर्स, ठीक है. सो वी नीड टू नॉर्मलाइज इट. वॉट वी हैव डन इज सपोज सो एंड सो अ पर्टिकुलर पैरामीटर, देर वर लाइक 15 पैरामीटर्स आर देर, ईच पैरामीटर वॉज स्केल्ड फ्रॉम 1 to 5 स्केल और समटाइम्स 1 to 3 स्केल, समटाइम्स 1 to 7 स्केल, इस तरीके से थे. सो वी हैव नॉर्मलाइज्ड इट. जो उसका मैक्सिमम स्केल है उसको 1 मान लिया है, जो मिनिमम होता है उसको 0 मान लिया है. सो बिटवीन ऑल द डेटा दैट यू हैव वी कन्वर्टेड इनटू नंबर्स बिटवीन 0 and 1. व्हाट वी सिंपली डिड, वी हैव डिवाइडेड दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय 7 एंड उसका डिफरेंट स्टेजेस. फॉर एग्जाम्पल 5 स्टेजेस है एक्स पैरामीटर, इट हैज़ 5 स्टेजेस, लाइक से 1 मतलब नो लेस मीडियम सीवियर एक्सट्रीम, इस तरीके से 5 स्केल्स पे है. इसका रिस्पेक्टिव नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5 करके नंबर दे दिया हमने. फिर इसको नॉर्मलाइज करना है, क्या करेंगे, 5 के साथ डिवाइड कर लेंगे. सो इट विल बिकम लाइक लेट्स से 0 के आसपास आ जाएगा, इट विल बिकम 0.2, 0.6, ओके 0.2, 0.4, 0.6, 0.81. सो व्हाटएवर आफ्टर दिस व्हाटएवर दैट वी फाइंड इट इन 0 टू 0.2 रेंज वी नीड टू मेक इट 0 and 0.2 to 0.4 range we need to make it something else, some other number, and then is this range some other number normalize kar diya hai. So after normalizing this then we have applied the model, theek hai, then we have applied the artificial intelligence model, on the basis of it we got the results, theek hai. So in the same manner whatever the data that we collect we need to process it, we need to segregate, so then and only then it will reveal the general information, otherwise aapko randomly lagega, wo pura data random lagega. So until unless you process the data, so this is called sometimes data mining kehte hai, jahan par data ka different points you have to bring it out. See, a lot of research has been put now data science has become a separate segment also, many people are pursuing their careers in this, ठीक है, क्योंकि आगे का जो आने वाला generation है that is completely going to run on data, ठीक है. So अब यहाँ पर anthropology में when we are doing a research, how the data is going to be processed, how the what you can say sampling is being done, sampling का मतलब है जो हमने किया था ना यहाँ पर 5 segment में, so इस तरीके से how the sampling is being done, how it is going to be processed, all of the things we are going to understand here, how it is going to be presented. Please write. Those who are taking the live, I think it is clear to you. Please, from time to time, you guys keep on interacting. Let's keep it very interactive, two-way session jaise rakhte hain. And you can also put your points, jaise aapka experiences wagera jo hai, you can bring it forward. When I was giving my experience with respect to Ram Leela and all, ठीक है,
such things you can also share, take if you have come across, and if you can correlate with respect to our subject here, you can definitely bring those points. And if I see any of such things, I'll definitely validate and ask you, okay, you can write, definitely you can write this example, theek hai, is tarike se, please write. In the beginning, the data is raw in nature, R-A-W, raw in nature. But after it is arranged in a certain format, in a certain format or meaningful order, certain order, certain format or a meaningful order. This raw data takes the form of information, takes the form of information. Next point mein likh lijiye, interpretation and presentation of data is most crucial and essential. It is most crucial and essential. Interpretation and presentation of data is most crucial and essential. To the research based on which analysis is done. Analysis is done. Next point likh lijiye. Interpretation can be defined as the device, device, device through which the factors observed by a researcher in the course of study can be better understood. The factors which are being observed by the researcher in the course of study, can be better understood. इसमें सिंपल है, वी हैव सीन सम ऑफ द केस स्टडीज, सम ऑफ द फील्ड वर्क डन बाय वेरियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट. नाउ आफ्टर डूइंग दैट फील्ड वर्क आल्सो दे इंटरप्रिटेटेड. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द केस ऑफ मार्गरेट मीड. व्हेन शी स्टडीड थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज, अरपेश, वी हैव सीन नू अरपेश, मतलब सेक्स एंड टेम्परमेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज करके तीन सोसाइटी को स्टडी किया था, अरपेस, ठाम्बोली, मुंडुगमोर, ये तीन सोसाइटी को स्टडी किया था. उसके बाद द इंटरप्रिटेशन शी मेड विथ रेस्पेक्ट टू द सबमिशिवनेस, शी शेड की द पैटर्न ऑफ द सोसाइटी दैट इज डिटरमाइनिंग द पर्सनैलिटी, बिकॉज यहाँ पर जो है लाइक मैट्रिलिनियल जहाँ पर है वहाँ पर फीमेल आर मोर अग्रेसिव एंड मेल आर सबमिसिव. जहाँ पर पैटर्न लिनियलिटी इज देयर वहाँ पर मेल्स आर अग्रेसिव,
ठीक है, एंड जहाँ पर इट इज इगैलिटेरियन है, जहाँ पर दोनों इक्वल है, वहाँ पर नेदर वन इज सबमिसिव नर अग्रेसिव, रादर दे आर कोऑपरेटिव। ये सारी चीज़ें उन्होंने इंटरप्रेट करके बताया था। तो इंटरप्रिटेशन जो है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ब्रिंग आउट वट एवर दी ऑब्जर्वेबल फैक्टर्स और फिनोमिना दैट यू हैव सीन, एंड टू ब्रिंग आउट द हिडन इंफॉर्मेशन इन इट, ठीक है, थ्रू द इंटरप्रिटेशन। सो दैट्स द रीजन वाई इंटरप्रिटेशन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट कैन ओनली बी डन वंस द डेटा इज प्रेजेंटेड इन द प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। इफ रैंडम एंड रॉ डेटा इज देयर, इंटरप्रिटेशन कैनॉट बी मेड आउट ऑफ इट। इफ यू वॉन्टेड टू मेक द इंटरप्रिटेशन, द डेटा हैज टू बी इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन से। नेक्स्ट सबेडिंग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस इसमें लिख लीजिए, इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स जनरल एंड थ्योरेटिकल कंसेप्शन, जनरल एंड थ्योरेटिकल कंसेप्शन विच कैन provide a framework or guide, a framework or guide for further research work, for further research work नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट एनाबल्स इन डेप्थ नॉलेज इन डेप्थ नॉलेज। नेक्स्ट रिसर्चर कैन अंडरस्टैंड his findings, researcher can understand his findings and the reason behind their existence, findings and reasons behind their existence. It provides very good guidance and gathers diverse perspectives, guidance and gathers diverse perspectives. Next point. It complements and completes the quantitative methods, complements and completes the quantitative methods. इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि इंटरप्रिटेशन एनालिसिस वगैरह जो है, दिस इज क्वालिटेटिव मेथड। सो क्वालिटेटिव मेथड बींग कॉम्प्लीमेंटिंग यूअर क्वांटिटेटिव मेथड, देयर बाई कंप्लीटिंग द एंटायर रिसर्च, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स एंड कंप्लीट्स क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंस, ये एडवांटेजेस वगैरह में
हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, प्लीज सब हेडिंग लिख लीजिए। डिसएडवांटेजेस इसमें लिख लीजिए प्लीज। इट रिक्वायर्स एडिशनल additional time, money and skills, main importantly skills। सब लोग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं डेटा को, यू नीड स्किल्स, ठीक है, स्किल्स। दिस इज फर्स्ट, लेबर, मनी, टाइम, स्किल्स, ये सब चीज़ें चाहिए। अगर इफ यू आर लैकिंग द स्किल्स यू मे नॉट बी एबल टू segregate the data। Next, एक और point लिख लीजिए। It yields information with limited generalizability। With limited generalizability। It yields information with limited। ऐसे लिख लो, limited generalization potential। ठीक है, so these are all the disadvantages। With this our 8th unit is done। ठीक है, इसमें थोड़ा सा previous year questions उठा के देख लीजिए, कुछ missing है तो you can ask me। सबसे फर्स्ट देखो, दिस इट हैज गॉन टू दी लाइक बाय मिस्टेक ये वाला सेक्शन में आ गया, ऊपर वाला सेक्शन में आएगा फर्स्ट वाला। क्रिटिकली एग्जाम इन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ लैंग्वेज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चनेयर आया है, शॉर्ट नोट ऑन क्वेश्चनेयर, ठीक है, वी कैन राइट। 2017 में बी में पूछा है क्वेश्चनेयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन नेग्लेक्ट, 2010 का है वो, लैंग्वेज का पार्ट है। नेक्स्ट देख लो, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ केस स्टडी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। केस स्टडी मेथड, रिलेटिव डेटिंग मेथड्स, ये उस सेक्शन का है, 1.8 का है। देन टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन करके पूछा है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप, ऑब्जर्वेशन से लेकर केस स्टडी, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, शेड्यूल जो हमने पढ़ा था, ओरल हिस्ट्री, जीनोलॉजी, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री, ऑल ऑफ देम। Then discuss the advantages and limitations of participant observation, we have discussed, ठीक है, observation में। Then systematic sampling, stratified sampling, ये सब ना syllabus से हट गया है अब, ठीक है, don't worry, these are not there in the syllabus, तो question नहीं आएगा, ये 2010 का है, 2013 में after restructuring ये है नहीं अभी। Then questionnaire, ठीक है, then importance of field work in anthropology we have covered, so no issue।